दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट, आज कोरोना की 28 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं 28 मरीज हुए स्वस्थ। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के प्रयासों से कोरोना मरीजों के लिए जिला चिकित्सालय में आज से वेंटिलेटर की सुविधा हुई शुरू। आज सुबह 2 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया। ये मरीज टर्मिनल स्थिति में आए थे, उनको बचाया न जा सका, लेकिन आज से हम पुनः 2 मरीज सीरियस अवस्था में आए, जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया, उनकी स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। ये सुविधा उपलब्ध होने से आम लोगों को काफी फायदा होगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के लिए तैयार हो रहा है 90 बिस्तरीय अस्पताल। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। कोरोना की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए जिले में आपात तैयारियां की जा रही हैं। तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमित होने की संभावना को देखते हुए 90 बिस्तर का सेंट्रलाइज ऑक्सीजन युक्त अस्पताल स्थानीय स्नातकोत्तर कॉलेज परिसर के पीछे नवीन भवन में तैयार किया जा रहा है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक के साथ मंडी परिसर का किया निरीक्षण। मंडी में भीड़ भाड़ न हो, इसके लिए किया गहन विचार विमर्श। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के साथ मंडी परिसर का निरीक्षण किया। कोरोना कर्फ्यू अनलॉक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहे तथा किसानों को असुविधा न हो, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन भी होता रहे। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श किया। गुना जिला अस्पताल से जबरदस्ती किया जा रहा था डिलीवरी वाली आदिवासी महिला को शिवपुरी रेफर। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के विधायक प्रतिनिधि पंकज श्रीवास्तव ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर पंचायत मंत्री को इसकी सूचना दी। मंत्री ने मामला लिया संज्ञान में। जिला अस्पताल से शिवपुरी के लिए भेजी गई एम्बुलेंस से प्रसूता को बीच रास्ते में पाटई से ही बुलाया वापस जिला अस्पताल में ही कराई गई डिलीवरी। मंत्री सिसोदिया के आदेश पर हुई डिलीवरी। अवैध शराब बेचने के लिए ग्राहक के इंतजार में खड़े युवक को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। हाथ भट्टी की बनी 80 लीटर शराब की बरामद। जिले में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा अपने अधीनस्थों को लगातार दिए जा रहे निर्देशों के परिपालन में गुना पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाईयों को निरंतर अंजाम दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में गतश्याम शहर कोतवाली थाना पुलिस द्वारा शहर में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हाथ भट्टी की बनी 80 लीटर कच्ची शराब के साथ आरोपी अजय उर्फ अज्जू पुत्र मुन्नी रजक उम्र 23 साल निवासी राठौर मोहल्ला पुरानी छावनी गुना को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस की तत्परता से गायब किशोरी को मात्र 12 घंटे में किया दस्तायाब। 28 मई की रात्रि को फरियादिया माँ द्वारा अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के घर से बिना बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट थाना कोतवाली में की गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली गुना में अपराध क्रमांक 444/21 धारा 363 भादवी के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। गुना पुलिस का अवैध शराब के विरुद्ध कड़ा प्रहार। कुख्यात अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गुना पुलिस की गिरफ्त में। राजस्थान से तस्करी कर मध्य प्रदेश में लाई गई 118 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब कीमत करीब 6 लाख रुपए की गई जब्त। तस्कर कोरोना काल में शराब बिक्री प्रतिबंधित होने का फायदा उठाकर कर रहे थे अवैध शराब की तस्करी। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज गुना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें राजस्थान से तस्करी कर लाई गई करीबन 6 लाख रुपए की 118 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज 29 मई को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जन पार्षदों का किया स्वागत एवं किया उनका अभिनंदन। मोदी सरकार के 2 वर्ष को सेवा ही संगठन के रूप में मनाएगी भाजपा। सांसद विधायक सहित सभी प्रतिनिधि ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में करेंगे सेवा कार्य। नगर व ग्राम केंद्रों में कार्यक्रम हेतु प्रभारी किए गए नियुक्त।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना कर्फ्यू समाप्ति और जनजीवन सामान्य करने के संबंध में जिला स्तरीय विकास खंड स्तरीय और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को संबोधित किया। सीधा प्रसारण NIC गुना में किया गया। इस अवसर पर विधायक गोपीलाल जाटा, भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक, अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी उपस्थित रहे। पृथक होगी 5% से अधिक व 5% से कम संक्रमण वाले जिलों की अनलॉक गाइडलाइन। संक्रमण बढ़ा तो पुनः लागू होंगे प्रतिबंध। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनलॉक के संबंध में की चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 जून से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। अनलॉक के संबंध में मंत्री समूह द्वारा की गई अनुशंसाओं को सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह को भिजवा दिया गया है। इस अवसर पर 30 मई को शाम तक सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह चर्चा कर अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेकर 31 मई को जनसामान्य को अवगत करा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर आज मणिधारी गार्डन में पेपर वितरण करने वाले हॉकर्स परिवारों को इस कोरोना काल के संकट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रेरणा से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, भाजपा अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, गुना विधायक गोपीलाल जाटव के मार्गदर्शन में सेवाही संगठन भाजपा जिला गुना के अभियान के तत्वधान में समाज सेवी भाजपा नेता पूर्व पार्षद अरविंद गुप्ता व समाज सेवी भाजपा नेत्री श्रीमती सविता गुप्ता द्वारा शुगर राशन वितरित किया गया। बूढ़ेवाला जी हरिपुर रोड अबू बकर मस्जिद से गरीबों के लिए खाना वितरित किया जा रहा था। विगत दिन आलू माड़े और खीर बनाकर खाने का किया गया समापन। बूढ़ेवाला जी बस्ती में भारतीय स्वयंसेवक संघ RSS के कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिटाइजेशन किया गया। विगत कई दिनों से स्वयंसेवकों द्वारा बस्तियों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। आज CAIT के द्वारा आयोजित ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुना से सुरेश सिंह रघुवंशी अध्यक्ष कृषि आदान संघ गुना, अध्यक्ष रोटरी क्लब गुना, अध्यक्ष कृषि छात्र संघ गुना को कृषि आदान व्यापारियों का पक्ष रखने का अवसर दिया, जिसमें उन्होंने बड़े ही प्रभावी ढंग से गुना से व्यापारियों का पक्ष रखा। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगभग 500 व्यापारी जुड़े थे, जिसमें गुना से सुरेश सिंह रघुवंशी को व्यापारियों की तरफ से बात रखने का अवसर मिला। कल म्याना की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था कि धूप में तपती जनता वैक्सीनेशन के लिए आज गुना की एक संस्था द्वारा वहां पर टेंट की व्यवस्था कराई गई, जिसमें टेंट में लाइन में लगकर लोगों ने सुकून की सांस ली और वैक्सीनेशन करवाया। मूड़ेवाला जी एरिया में 3 बच्चे संक्रमित मिले। हालात ठीक हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। सुबह से ही सोशल मीडिया पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खबर चल रही थी, जिसमें 6 बच्चे कोरोना संक्रमित बताए जा रहे थे। जब इस वायरल खबर की हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पी उनकर से बात की, तो उन्होंने बताया कि बूढ़ेवाला क्षेत्र के टेकी रोड पर कुछ बच्चों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 3 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनको उपचार दे दिया गया है। बच्चों का उपचार घर पर चल रहा है, जिनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे ठीक हालत में हैं। पनवाड़ी हाट रोड पर मिला संक्रमित दवाइयों और इंजेक्शनों का जखीरा, प्रशासन की बड़ी लापरवाही। आरुण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से महज 2 किलोमीटर की दूरी पनवाड़ी हाट रोड पर किसी अज्ञात डॉक्टर द्वारा इलाज में उपयोगी इंजेक्शन दवाइयां सीधे पुलिस सड़क के किनारे फेंक दी। वॉल्टियरों को 50-50 घरों की जानकारी रखने की दी गई जिम्मेदारी। आरोन में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के साथ कोरोना काल में मास्क वितरण, रोको टोको दवाई वितरण एवं अन्य प्रकार की मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराने के सहयोग कर रहे कोरोना वॉल्टियरों के लिए नगर परिषद सभाघर में CMO, नगर परिषद BMO श्री कृष्ण अनूप पाटीदार एवं ब्लॉक समन्वयक प्रमोद रघुवंशी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा किट उपलब्ध कराई गयी।
राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा बंटवाए जा रहे हैं भोजन के पैकेट। आरोन में कोरोना महामारी में जिन लोगों का रोजगार छिन गया है उन परिवारों के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा आरोन नगर में गरीब बस्तियों में भोजन के पैकेट बंटवाए जा रहे हैं। लगातार रोज प्रत्येक वार्ड में भोजन के पैकेट आरोन कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रही युवा टीम। आरोन में जब से लॉकडाउन लगा है तब से युवाओं की एक टीम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे लोगों की सेवा कर रही है। कोरोना के खिलाफ जंग जीत कर लौटे युवक ने कहा, इस जंग में सबसे बड़े योद्धा हैं डॉक्टर्स। सभी डॉक्टर्स मेरा हौसला बढ़ाते रहे और मुझे प्यार से समझाते रहे, सहलाते रहे, दिलासा देते रहे। ये उनके प्यार और उनकी लगन का ही नतीजा है कि मैं उस तनाव से बाहर आ गया। कोरोना वायरस को हराकर घर लौटे आरोन के एक युवक के लिए जिंदगी की ये नई सुबह है, लेकिन महामारी के इस अंधेरे के बीच उम्मीद की जो अगली किरण है वे डॉक्टर हैं। उनके बिना कुछ संभव नहीं है। कोरोना से जंग के विजेता के मुताबिक सबसे बड़े योद्धा तो डॉक्टर्स हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आरोग्य अभियान के माध्यम से सातवें दिन भी गुना के कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्कैनिंग कर कोरोना के प्रति सजग बात जागरूक रहने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना के नगर मंत्री विकास शिवहरे ने बताया कि वर्तमान स्थिति देखते हुए व ग्रामीण क्षेत्रों की चिंता करते हुए अब हबीब का अखिल भारतीय अभियान आरोग्य अभियान कई दिनों से चल रहा है, जिसमें परिषद कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ग्रामीण जनों की स्क्रीनिंग कर उनको तापमान जानकर उन्हें कोरोना के प्रति सजग करने का कार्य कर रहे हैं। देश में संकट के समय सेवा भारती करती है सेवा कार्य। सेवा भारती के स्वयंसेवकों द्वारा चंपावती को किया गया सैनिटाइज। हम सेवक हैं मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है। उक्त पंक्ति को चरितार्थ करते हुए सेवा भारती के कार्यकर्ता इस वैश्विक महामारी में संपूर्ण भारत वर्ष में तन मन धन से निस्वार्थ रूप से सेवा कार्य में लगे हुए हैं। चाचौड़ा खंड में कुल 146 ग्रामों को सैनिटाइजेशन करने का कार्य जारी है और लगभग अधिकांश संक्रमित ग्रामों को सैनिटाइजेशन किया गया है। कुमराज में महिला शक्ति ने किया रक्तदान। शिव भारती कुमराज द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं के द्वारा रक्तदान कर सबसे पुण्यदान रक्तदान महादान किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा भारत माता एवं मां सरस्वती के पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मानस भवन में 567 बार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 240 का हुआ टीकाकरण। आज से तहसीलों पर ऑन स्पॉट ही लगाया गया वैक्सीन गार्ड टीका। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाए, आओ वैक्सीन लगवाएं। कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत प्रशासन के सहयोग से सोमवार को नगर के दो वैक्सीनेशन केंद्र मानस भवन एवं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में टीकाकरण किया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु वॉल्टियर्स द्वारा विभिन्न प्रकार के जन जागरूकता कार्य किए जा रहे हैं। वॉल्टियर्स द्वारा दीवार लेखन के माध्यम से कोरोना संक्रमण के प्रति जन जागरूकता कार्य किया जा रहा है। ब्लॉक बमोरी के ग्राम गोरिया में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ब्लॉक बमोरी के वॉल्टियर्स समिति के अध्यक्ष कृष्ण बल्लभ किरार द्वारा दीवार लेखन के माध्यम से सभी लोग मास्क पहने, दो गज की दूरी बनाए रखें, अधिक से अधिक वैक्सीन करवाएं का संदेश देते हुए आम लोगों को जागरूक किया गया। अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 30 लाख रुपए की अवैध रेत को राजस्व विभाग द्वारा किया गया जब्त। अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों को आज डाला गया खुली जेल में। खुली जेल में डालने के बाद मेडिकल टीम द्वारा लिया गया उनका कोरोना टेस्ट। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के प्रयासों से कोरोना मरीजों के लिए जिला चिकित्सालय में आज से वेंटिलेटर की सुविधा हुई शुरू। आज सुबह दो मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया। ये मरीज टर्मिनल स्थिति में आए थे, उनको बचाया न जा सका, लेकिन आज से हम पुनः दो मरीज सीरियस अवस्था में आए जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया, उनकी स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। ये सुविधा उपलब्ध होने से आम लोगों को काफी फायदा होगा। प्रिय साथियों नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे जिला चिकित्सालय में वेंटिलेटर की सुविधा भी
हमारे सामूहिक प्रयास से, जिसमें कि हमारे मंत्री महोदय, गुना जिले के ऊर्जावान नवागंतुक कलेक्टर महोदय और पूरा जिला प्रशासन, जिला अस्पताल के हमारे सेवाभावी चिकित्सक शामिल हैं, वेंटिलेटर की सुविधा हमारे जिला चिकित्सालय में प्रारंभ हो गई है। इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। वेंटिलेटर मौजूद रहने के बाद भी हमारे चिकित्सक इसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको चलाने के लिए जो कर्मचारी चाहिए थे वो मौजूद नहीं थे। हमारे कलेक्टर महोदय के प्रयासों से तत्काल ही उन कर्मचारियों की व्यवस्था की गई, उनको शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज में उन्हें ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद हमारे जिला चिकित्सालय में ये व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो गई है। इसके साथ ही इससे ये हो जाएगा कि जो भी क्रिटिकल मरीज हैं उनको हम तत्काल रूप से और ज़रूरी चिकित्सा सुविधा हम दे पाएंगे। मेरी तरफ से और पूरे गुना के नागरिकों की तरफ से सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, माननीय मंत्री महोदय जी, सिसोदिया जी का, हमारे जिला चिकित्सालय के सभी वरिष्ठ चिकित्सकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सभी सेवाभावी चिकित्सक और नागरिक बंधु अपने लोगों की सेवा करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। कोरोना के मरीजों के लिए जिला चिकित्सालय गुना में आज से वेंटिलेटर की सुविधा शुरू हो गई है। आज सुबह दो मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया था। ये मरीज टर्मिनल स्थिति में आए थे, अतः उनको बचाया नहीं जा सका था, लेकिन आज शाम को पुनः दो मरीज, सीरियस मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है और उनकी स्थिति में अभी सुधार हो रहा है। इस प्रकार से कोरोना मरीजों के लिए एक सुविधा उत्पन्न होने से आम लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। आज CAIT के द्वारा आयोजित ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुना से सुरेश सिंह रघुवंशी अध्यक्ष कृषि आदान संघ गुना, अध्यक्ष रोटरी क्लब गुना, अध्यक्ष कृषि छात्र संघ गुना को कृषि आदान व्यापारियों का पक्ष रखने का अवसर दिया, जिसमें उन्होंने बड़े ही प्रभावी ढंग से गुना से व्यापारियों का पक्ष रखा। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगभग 500 व्यापारी जुड़े थे, जिसमें गुना से सुरेश सिंह रघुवंशी को व्यापारियों की तरफ से बात रखने का अवसर मिला। नमस्कार सर, आदरणीय मंत्री जी नरेंद्र भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। मैं भाई साहब सुरेश सिंह रघुवंशी गुना से, आपसे काफ़ी पुराना परिचित हूँ। मैं ग्वालियर एग्रीकल्चर कॉलेज से BSc और MSc AG हूँ भाई साहब। जब आप कॉलेज में आते थे, जब से मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त है, मैं गुना में खाद उर्वरक संघ का अध्यक्ष हूँ, रोटरी क्लब का अध्यक्ष हूँ और एग्रीकल्चर एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ, BD भाई साहब का साथी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आज कैट के तहत आपने हम व्यापारियों की बात को सुना है। मैं यहाँ पे खाद व्यापारियों की समस्याएं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि खाद में हम POS मशीन से खाद का विक्रय करते हैं और कोरोना में संक्रमण की सबसे ज़्यादा संभावना हमारी रहती है, लेकिन हम आपका और नरेंद्र मोदी जी का साथ देते हुए इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पर मेरा आपसे निवेदन है कि जो टॉप 20 बायर में जब कोई खाद किसान हमसे लेके जाता है और ज़िले की टॉप 20 बायर आती है, तो उस लिस्ट में बहुत दिक्कत होती है। उसमें हम लोग किसान का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ज़मीन की किताब, स्टॉक, ये सब नहीं रख पाते और बाद में कृषि विभाग हमको परेशान करता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। दूसरा,
जब कृषि व्यापारी व्यापार करता है और उसका कोई सैंपल फर्टिलाइजर का या दवाइयों का फेल हो जाता है तो व्यापारी पे भाई साहब FIR होती है, उस पर कार्रवाई होती है, जबकि उसकी कार्रवाई निर्माता पे होना चाहिए, क्योंकि निर्माता वो निर्माण करता है और सरकार उसको व्यापार करने की परमिशन देती है, व्यापारी तो सिर्फ व्यापार करता है। तो मेरा निवेदन है कि इसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तीसरा एक है भाई साहब कि फर्टिलाइज़र में जब हम लोग स्टॉक करके रखते हैं, क्योंकि व्यापार कृषि का व्यापार सीजनल व्यापार होता है, रबी सीजन की तैयारी के लिए हम लोग बहुत सारा इन्वेस्ट करके फर्टिलाइज़र रखते हैं, लेकिन जब यूरिया का सीजन आता है तो उसमें सरकार 80-20 का रेशियो कर देती है, 80% गवर्नमेंट से द्वारा बिकवाती है और 20% भाई साहब प्राइवेट से बिकवाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी शहर में एक दुकान गवर्नमेंट की होती है और 10 दुकानें प्राइवेट की होती हैं, तो गवर्नमेंट की दुकानों से भीड़ बढ़ती है और परेशानी होती है, और जो व्यापारी है वह पूरे साल उस सीजन का इंतजार करता है पर सीजन पे उसको बेचने के लिए यूरिया भी नहीं मिल पाता, जिससे उसका व्यापारी को घाटा बहुत होता जा रहा है। एक मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, चूँकि मैं MSc एग्रीकल्चर कृषि का छात्र भी हूँ, आपने किसानों पे बहुत उपकार किया है कि आपने DAP की सब्सिडी को बढ़ा दिया है, इससे DAP अभी भी 12 ओके सुरेश जी, हाँ सर, आपने निश्चित रूप से कृषि से संबंधित व्यापारी समस्याओं को रखा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अपने शहडोल से गुना जिला अस्पताल से जबरदस्ती किया जा रहा था डिलीवरी वाली आदिवासी महिला को शिवपुरी रेफर। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के विधायक प्रतिनिधि पंकज श्रीवास्तव ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर पंचायत मंत्री को इसकी सूचना दी। मंत्री ने मामला लिया संज्ञान में। जिला अस्पताल से शिवपुरी के लिए भेजी गई एम्बुलेंस से प्रसूता को बीच रास्ते में पाटई से ही बुलाया वापस जिला अस्पताल में ही कराई गई डिलीवरी। मंत्री सिसोदिया के आदेश पर हुई डिलीवरी। आदर के रहने वाले हैं सर, वो हमारी बहू है, मैं उनका ससुर हूँ। जब मेरे को जो पता लगा सर कि हमारे बेटे से दबाव डाल कर और उससे दस्तखत करा लिए सर कागजों पर और एम्बुलेंस बुला करके और रेफर सिपरी के लिए रेफर कर दिए। जब मुझे पता लगा तब मैं आया। अब रेफर कर चुके थे सर, चूँकि मैं बैठा गाड़ी में, हमारी घरवाली भी बैठ गई कि हम बहू के साथ चले जाएँ, और हमने एक ब्लड की व्यवस्था कर दी थी सर, वो कह रहे थे दूसरा ब्लड और दे दीजिए, तो सर हम दूसरे ब्लड की व्यवस्था कर रहे थे, तब तक सर उन्होंने एम्बुलेंस बुला करके और हमारे वो बहू को उसमें रख दिया और बाटर चढ़ा करके सर हमको भेज दिया। जब सर हमारे जैन साहब का फ़ोन आया सर वहाँ पर पार्टी के पास में, विकास जैन जी का, नगराली विकास जैन जी का, कि आप कहाँ हो, उनका साहब हम तो इन्होंने तो रेफर कर दिया हमारी बहू को सर, वो कह रहा है सीपरी जा रहा है मेडिकल कॉलेज के लिए, जबकि सर हमारा कोई व्यवस्था नहीं, हम किससे ब्लड लेंगे, वहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो हम कैसे न कैसे एक ब्लड की व्यवस्था हमने कर ली थी। और फिर हमारे जैन साहब ने कहा विकास जी ने कि वहाँ आप चिंता मत करिए, कहना आप वापस आ जाइए और आपको कैसे भेज दिए। मैंने कहा साहब बच्चे पर दबाव डाल रहे थे साहब और बच्चा घबरा गया, उससे दस्तखत करा लिए और उसको सर सीपरी रेफर कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, कहना मैंने CMO साहब से बात कर ली है और सिविल सर्जन साहब से, आप वापस आइए, कहना ब्लड की व्यवस्था हम करेंगे। किसने बोला ये? तो विकास जैन जी ने बोला सर, नकराली विकास जैन जी ने इतना बोला सर, कहना का आप वापस आइए गाड़ी से, ब्लड की व्यवस्था हम करेंगे, आपकी बहू की डिलीवरी यहीं होगी, वहाँ क्यों भेज रहे हैं ये लोग। मैंने कहा साहब पता नहीं साहब, बच्चे दवा बना रहे थे साहब, डाल बच्चा डर गया बेचारा। क्या हुआ सर? फिर उन्होंने ब्लड की व्यवस्था करी सर, इसके बाद रात को हमारी बहू का सर 1:30 बजे ऑपरेशन हुआ सर, डिलीवरी में बच्चा हुआ सर, अब बच्चा और हमारी बहू सर दोनों स्वस्थ हैं सर, वो भर्ती हैं सर हॉस्पिटल में। और सर वो एम्बुलेंस वाला आ नहीं रहा था सर, वो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा, पर सर इन्होंने कहा नहीं, कहना हमने बोला मन करना नहीं भैया वापस ले जाइए, हमारी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, हम बाकी कैसे व्यवस्था करेंगे। फ़ोन किए, फ़ोन पर सर बात हुई हमारी, तो जैन साहब ने कहा कि मेरी सिविल सर्जन से बात हो गई है और आप लाइए। क्या नाम ब्लड की व्यवस्था कैसे नहीं है कि यहाँ पर हम देंगे जितना ब्लड चाहिए। तो सर इन्होंने क्या नाम था जच्चा का? जो संगीता। कहाँ की निवासी हैं? जे गादेर की हैं सर, हमारे बच्चे। पति का नाम क्या उनके? धर्मेंद्र। डिलीवरी कब आए थे आप? डिलीवरी सर दिन में 2-2.5 बजे भर्ती हुए थे सर। शुक्रवार जब घुमाते रहे? शुक्रवार जी सर, हमको घुमाते रहे सर जी, कह रहे कि आप नॉर्मल। क्या कमी बताई थी डॉक्टरों ने? सर उन्होंने यही कहा कि इसकी ब्लड की व्यवस्था कर लें, तो सर हमने एक ब्लड की व्यवस्था कर ली थी सर 300 ml की, फिर व्यवस्था नहीं दूसरी बॉटल की कह रहे थे सर, मैंने कहा हम व्यवस्था करते हैं, तब तक सर उन्होंने हमको वापस रेफर कर दिया सीकरी के लिए। आपका क्या नाम है? मैं छतर सिंह सर।
मैं उनका ससुर हूँ सर। क्या है, शुक्रवार की रात्रि में एक गादेर निवासी संगीता सहरिया, छतर सिंह चौहान सहरिया की पुत्र वधु हैं, वो जिला चिकित्सालय में भर्ती हुई थी डिलीवरी के लिए। चूँकि वो उनको भर्ती होने के बाद उनको ए बी पॉजिटिव ब्लड की सख्त आवश्यकता थी, डॉक्टर ने कहा इनको ब्लड की कमी है, ब्लड उपलब्ध कराने के बाद ही हम मरीज का ऑपरेशन कर पाएंगे। तो वो परेशान होते रहे, लगभग 10, 10:30, 11 बजे मेरे पास किसी प्रकार से सहयोग नरोत्तम मिश्रा जी के माध्यम से मेरे पास फ़ोन आया। तो मैंने संगीता सहरिया जो कि बहुत गरीब महिला है और उनके साथ कोई भी नहीं था, तो मैंने उनको ए बी पॉजिटिव ब्लड की व्यवस्था कराई। व्यवस्था होने के बाद यहाँ अस्पताल प्रबंधन का थोड़ा सा रवैया ठीक नहीं रहा, उन्होंने उस मरीज को आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर शिवपुरी के लिए रेफ़र कर दिया, जिस पर मैंने नाराज़गी व्यक्त करते हुए सिविल सर्जन से बात की, डॉक्टर आवा शर्मा जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा भैया आप ब्लड उपलब्ध करा दो, हम ऑपरेशन कर देंगे। मरीज चूँकि गुना से जा चुका था, तो मैंने फिर मरीज के परिजन से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा हम तो पाटे ही आ गए हैं। तो फिर मैंने कहा आप वहीं रोको गाड़ी, एम्बुलेंस वाले से बात की, तो आने तैयार नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी अपने सामर्थ्य अनुसार उनको गुना बुलवाया और गुना बुलवा कर जिला चिकित्सालय में जच्छा वार्ड में उस महिला का ऑपरेशन हुआ। रात को करीब 2-2:30 बजे को कार्य में लग गए और ए बी पॉजिटिव जिला अस्पताल के रक्तदान शिविर में होते हुए भी मरीज को उपलब्ध नहीं कराया इन्होंने। ये वाकई में घोर लापरवाही है, इस तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। जब अपने पास ब्लड उपलब्ध है तो आप मरीज को ब्लड देकर यही गुना में ऑपरेशन करते, बाई चांस शिवपुरी में ऑपरेशन अगर मरीज नहीं होता या ब्लड नहीं मिलता तो मरीज की जान जा सकती थी। ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है और मेरे द्वारा इसी प्रकार सहयोग किया गया, इसमें सनारोत्तम जी भी हमारे सहयोगी रहे, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दक्षा बच्चा स्वस्थ हुए पूर्ण रूप से? हाँ, दक्षा बच्चा दोनों अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। रात को 2 बजे उनका ऑपरेशन हुआ, अब बच्चा और जच्चा दोनों ठीक हैं। जच्चा का नाम क्या है? बच्चा का नाम तो अभी जच्चा का ये संगीता सहरिया निवासी गादेर। कलम्याना की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था कि धूप में तपती जनता वैक्सीनेशन के लिए आज गुना की एक संस्था द्वारा वहां पर टेंट की व्यवस्था कराई गई, जिसमें टेंट में लाइन में लगकर लोगों ने सुकून की सांस ली और वैक्सीनेशन करवाया। कलम्याना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खड़े हैं और ये 18+ लोगों का यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। तो पहले क्या है, यहाँ टेंट नहीं था तो लोगों को क्या है धूप में लगे रहना पड़ता था। आज ही ये गुना की एक जो फर्म है के टेंट के लिए, तो उनके द्वारा ये टेंट लगवा दिया गया है, तो लोगों को क्या है अब समस्या नहीं आती है, बढ़िया सुकून में छाव में खड़े हो गए, आराम से वैक्सीनेशन हो जाता है। क्या नाम है? अभिषेक व्यास। कोरोना के खिलाफ जंग जीत कर लौटे युवक ने कहा इस जंग में सबसे बड़े योद्धा हैं डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर्स मेरा हौसला बढ़ाते रहे और मुझे प्यार से समझाते रहे, सहलाते रहे, दिलासा देते रहे, ये उनके प्यार और उनकी लगन का ही नतीजा है कि मैं उस तनाव से बाहर आ गया। कोरोना वायरस को हरा कर घर लौटे आरोन के एक युवक के लिए जिंदगी की ये नई सुबह है, लेकिन महामारी के इस अंधेरे के बीच उम्मीद की जो अगली किरण है वे डॉक्टर है, उनके बिना कुछ संभव नहीं है। कोरोना से जंग के विजेता के मुताबिक सबसे बड़े योद्धा तो डॉक्टर्स हैं। क्या नाम है भैया आपका? आप कोरोना पॉजिटिव थे, कब आपकी रिपोर्ट कब आई थी पॉजिटिव? अच्छा, अभी आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, इन लोगों का आपने अभी सम्मान किया, कैसा लगा आपको यहाँ पर, इनका बर्ताव कैसा रहा? इसी को लेकर आपने इनका स्वागत किया। डॉक्टरों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर ये सिस्टर हैं, ये जो आपकी देखरेख कर रहे थे, बहुत बढ़िया।